नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके एंड में हमने क्या कहना है। सबसे पहले तो हम यह परमात्मा का धन्यवाद करेंगे कि हे परमात्मा, जो कुछ आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है। जो मेरी जिंदगी जैसे बीती है बहुत अच्छी बीती है, मेरा समय बहुत अच्छा बीता है, जो कुछ भी हुआ आज तक बहुत अच्छा हुआ है। आपने जो कुछ भी दिया मेरे फायदे के लिए मुझे दिया है। अगर कुछ मुझे नहीं मिला तो उसमें भी मेरा फायदा है, हो सकता है कि उससे मुझे नुकसान हो सकता था उस चीज़ से, इसलिए आपने वह चीज़ मुझे नहीं दी। इसलिए हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया, आपने बहुत कुछ किया है, मुझे बहुत कुछ दिया है। हे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। ऐसे ही मेरी जिंदगी चलती रहे और मैं अच्छे कार्य करता रहूँ और मेरे मन में हमेशा आपका ही नाम रहे और मैं आपको हमेशा याद रखूँ। अंत में हमें एक बात और परमात्मा के आगे कहनी है कि हे परमात्मा, यह अंत नहीं हुआ दिन का, यह तो शुभारंभ हुआ है। जैसे एक रात खत्म होती है और अगला दिन फिर शुरू होता है, ऐसे ही यह शुभारंभ है, यह अंत नहीं हुआ और मैं हमेशा आपको याद करता रहूं। और अंत में हमें यह कहना है परमात्मा से कि जो आज दिन का अंत हुआ है उसी तरह से अगले दिन की शुरुआत हो। जो आज हमें आनंद की प्राप्ति हुई है, अगले दिन हमारा आनंद और बढ़ जाए और इस तरह बढ़ता जाए और हम आपके ध्यान में लगे रहें, आपके अच्छे कार्यों में लगे रहें, आपके द्वारा दिए हुए रास्ते पर चलते रहें और हमें आनंद की प्राप्ति हो, खुशी की प्राप्ति हो। धन्यवाद।